सबसे बड़ी बात यह है कि देर रात को चीफ सेक्रेटरी डीजीपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इतना बड़ा सारा नोटों का जखीरा, मतलब पूरा राजस्थान ही सहम। देखिए, विषय ऐसा है, निरंतर हम इस बात को कहते रहे हैं कि वर्तमान की गहलोत सरकार इस लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में किसी प्रदेश की सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार है और इसकी भ्रष्टता के आक्षेप केवल भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हो ऐसा नहीं, विपक्षी लोगों ने लगाए हो ऐसा नहीं, पार्टी के पूर्व पीसीसी चीफ, पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर के वर्तमान में मंत्री पद पर बैठे हुए लोगों से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की होड़ सी पार्टी में मची है। लेकिन इस पर मोहर उससे लगती है कि भ्रष्टाचार से इतना सारा कालाधन एकत्रित किया गया है कि 2-4-5 करोड़ रुपए और कई किलो सोना जो है वो कहां रख करके भूल गए, अब इनको इतना भी याद नहीं है। मुझे लगता है कि आजकल डिजिटल करेंसी की भाषा में जिस तरह से गूगल पे को जी पे के नाम से पुकारा जाता है, आज राजस्थान में जी पे जो है वो गहलोत पे बन गया है। राजस्थान में राजस्थान की सरकार ने भ्रष्टाचार के सारी हदें पार कर दी। एक बड़ी बात यह है कि इस ओवरऑल इस पूरे प्रकरण को लेकर इससे पहले भी इस तरीके के मामले आए हैं, यहाँ पर एसीबी और ईडी आईटी ये नहीं। देखिए, पहला विषय तो ये है जो लोगों के मन में संदेह पैदा करता है, इसकी चर्चा बहुत तेजी के साथ में चल रही है कि 4 बजे इस तरह का कैश बरामद होता है। रात को 11 बजे आकर के आनन फानन में डीजी और चीफ सेक्रेटरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। डीजी और चीफ सेक्रेटरी की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और अधिकारी बात कर रहा होता है, जो विषय सीधा सीधा पैसे से जुड़ा है, जहां इलीगल, अनऑथराइज, अनआइडेंटिफाइड, अनक्लेम्ड मनी मिली हो, वहां ने एंटी करप्शन ब्यूरो को बुलाया जाए, ने इनकम टैक्स को बुलाया जाए, ने वहां पर इतने बड़े जो है मात्रा में धन संपदा बरामद होने पर ने वहां पर ईडी को इन्फॉर्म किया जाए, यह अपने आप में कई तरह के संदेह पैदा करते हैं। और इस तरह की चर्चाएं भी चल रही है कि ये जितना डिस्क्लोज किया गया और जितना मिला है उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है।